रमजान ज्यादा मेरा दिन पूरेगा रे तो इसका दिन और जो स्वरम जादी को और क्या होगा उस कुत्ती को थोड़ा पिलवा फर दो कुतिया मुझे पिल्लू होगा रे इसको और तो उसको और क्या होगा उस हरम जादी को चल बोल तेरा मारता मारता ढोरी भांगी दो साला बच गया हरम ज्यादा और कहीं नहीं लगने का इतना हरम चल पीछे हट हरम ज्यादा थोड़ा लंबा लंबा हाथ काटी दबो अरे हरम ज्यादा काट दो साला कभी यहाँ कभी यहाँ हरम चल बोल हमरा खाली पेट में नहीं मारो क्यों रे पेट फूला लगे छे आज दिन के बाद मेरे कहने पे आपको चलना होगा कैसे मेरे कहने पे नाचना होगा चल शुरू हो जा नाचना है शुरू हो जा हाँ ये चालू कर देते हैं रेडी चिया चाला ये क्या कर रहा था रे ओ बाबू के मुझे कि कहाँ अटक गया रे फंस गया कहाँ पर महाराणी जी चल बोल तो इनको जो हमरा नाच आएला हाँ राम ज्यादा मैं नाचने की बात नहीं कर रही हूँ तो अनि मैं जो बोलूंगी जी वो तुम्हें करना ही होगा कैसे करेंगे sit down stand up sit down हाँ राम ज्यादा डर महाराणी जी चल ठीक है समझ गए उठना बैठना समझ गए जी 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 अब ये बताओ अभी तक नौरी क्यों नहीं आई है नौरिया नरा सुटोक है सुटोक है जी जल्दी बुला उसको गे नौरिया गे जल्दी बुला जल्दी आ जल्दी आ जल्दी लीजिए रानी बाबा हरम जादी हरम जादी बताइए रास्ता है उधर से हरम जादी जाती है इधर से महाराणी जी चल बोल साड़ी देखिए साड़ी को देखूंगी जी साड़ी तो नया लग रहा है बिल्कुल साफ है इस साड़ी को हाँ हम और आप मिलके गंदा करना है कैसे आप नहीं जानते हैं हम गंदा करे छे के रे बताओ मैं दूसरी की बात नहीं कर रही हूँ ना तो साड़ी की बात कर रही हूँ हम गंदा कैसे करे थूकना है कैसे देखो बताइए ना जोग तोरा दादी के दादी के या पूजी जैसे रे चल थूक अभी थूक रहे हैं थूको जल्दी साला मेरे मुंह पे क्यों थूकता है रे बाबू ढोड़ी भंग लो चुप सारी अगर ऐसे गंदा नहीं होगा महाराणी जी पैर से गंदा कर मोर कान ना झुके से नहीं झुकता है देख रहा है चल बोल गंदा कर दिए पूरी तरह से गंदा हो गया जी चल साड़ी को उठाओ अभी उठा रहे हैं हरम ज्यादा ये क्या कर रहा था रे साड़ी उठा रही हूँ दिख रहा कितना कैमरा लगा है जी बता पूरा इंडिया वायरल हो जाएगा तो इनके जो साड़ी उठाओ हरम ज्यादा इस साड़ी की बात नहीं कर रही हूँ तो जो नीचे पड़ा है उसकी बात कर रही हूँ ना ये साड़ी हाँ बताओ हम ओकरे उठा दे लिए जल्दी जल्दी उठाओ अभी उठा इस साड़ी को कैसे उठाता है इस साड़ी को उस कुत्ती को दे दो कुत्ती को हाँ अभी दे रहे हैं जल्दी दो गे तेरा दादी कुतिया तोरा दादी के तो बार बार तोरा क्यों लगाते हैं आप तोरा मतलब उसको तोरा का मतलब यानी उसको जी 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 अब की बार से तुम तोरा ही कहना वो नो हम तोरा ही कैसे हैं कि वो नो मुझे कर तो दो ना गे कुतिया कुतिया बिना नेंगड़ी वाली हरम ज्यादा तुम्हारा करे मतलब मैं हरम ज्यादा मेरे मुंह के पास आके बोलता है रे इसको नेंगड़ी है हरम ज्यादा इंसान को नेंगड़ी होता है इसीलिए तो कह रहे बिना नेंगड़ी वाली हरम ज्यादा जल्दी से दो हले कुतिया सारे पी हरम ज्यादा मुझे बेकूफ बनाता है रे चल निकल यहाँ से निकल चल साड़ी पकड़ और तुम्हारे शरीर में जो नौलखा साड़ी पहनी है चल इसे फटाफट खोल और ये भंगी फूटी साड़ी कहीं रास्ते में तुम बदल लेना चल खोल हे घूमियो ना जल्दी खोल और तमा हो जा हे यही बाबा
लाल पिया गाना के लगा जरा पुरुष को कुछ जगह होता है सारी को उठाओ सारी उठाओ सारी उठा लिए चल पूछ इस गांव में धोबी है या नहीं है छह भवानीपुर में धोबी हो पूछो ना सखवाम ना से धोबी छह धोबी आ रहा है ए अम्मो झोपला धोबी आ महारानी से चल बोल धोबी आना है तू कौन है धोबी का बेटा है अली दे दो ना दे दिया ये अपना मां को दे देगा अंदर पहुंचा दियो महारानी जी हाँ सारी भेज दिए धोने के बाद जी आयरन करवा करके हाँ मेरे गोदेज में रख दीजिएगा और उसको सारी को भेज दिए ठीक है अब क्या करें जब तक वो हरमजादी इस महल में था जी तो अपना महल कैसा लग रहा था बिल्कुल अनहार अनहार हमरो सबको ठंडा लग अब वो हरमजादी यहाँ से चली गई है हम सब घर में आ गए हैं आप महल भी झकास अब अपना माल का रौनक देखिए बिल्कुल झकास चम चम चमक रहा है तवा तो कितना परिवर्तन है जी महारानी जी हाँ बोलो ये आपके पूर्ण प्रताप से मेरे प्रताप से जी तब पता था इधर धोनो दिया दलो सुनिए ना जब वो हरमजादी यहाँ था जी तो मैं गुस्से में थी उस समय जी मैं आपको तुम ताम मार पीट कर रही थी ओ हमरा दारो लहराए देशो लेकिन अब नहीं मारूंगी रख ही दियो अब मैं आपको प्यार से पुकारूंगी कैसे कैसे हाँ मंत्री जी जी महारानी जी देखिए दिखाइए हरमजादा इधर क्या देख रहा है रे कोहन को जो दिखाई ला हरमजादा ये मेरा कहने का स्टाइल है और ये आपका स्टाइल है ये मेरी भाव है आपको तो दो को घाव है कहाँ पर रे हरमजादा सुनो हाँ इस समय में कुछ मेरे मन में चल रहा है हाँ मन में चल रहा है बोल दो क्या आखिर इस समय क्या कहना चाहते हैं इस समय मेरा वो कहाँ है ओ धगरा बोन पर छाओ क्या बोल रहे हैं आप करका धगरा मके लबोन पर मैं धगरा की बात नहीं कर रही हूँ तब ठंडे में धगरे ना आपका महाराज का बात कर रही हूँ ओ महाराज हाँ महाराज महल में नहीं है महल में नहीं है जीना तो कहाँ इस समय है वो गुहालिया में जाकर सुटुक है गुहालिया में सुटुक है जी लेकिन क्यों आपके डर से मेरे डर से जी मैं क्या भूतनी हूँ क्या भूतनी ना तो चुड़ैल चुड़ैल मैं तो वो ओ जो चली गई आप साक्षात लक्ष्मी है क्यों नहीं जय लक्ष्मी जी आप यहाँ से जाइए मेरे स्वामी के पास जी आप बोलिए कि आपका खतरा टल चुका है जल्दी बुलाइए ओ तो हम महाराज से मिलना चाहते हैं अभी अभी हम बुला रहे हैं जल्दी बुलाइए हेलो चेक बुलाइए जल्दी से ए जाला दी से आया वाला हो स्वामी जी खुश रहो महारानी अरे का कहीं का वो तू महारानी को आशीर्वाद दे रहा है तो होना ताका कह रहा तू पंडित है कि ब्राह्मण है कि तू क्या है साधु है लगता है ये मर जाएगा साधु तो नहीं है तू आशीर्वाद दे रहा है ये एक आदमी को सब आदमी मार रहे हैं हम बाबू पंडित जी ना है तो क्या है साधु हाँ मैं पंडित जी का बेटा बाबा जी वो मेरी महारानी है मुझे प्रणाम कर रही है और आशीर्वाद ये दे रहा है बड़ा आशीर्वाद देने वाला आया महारानी हाँ क्या बात है महारानी आज शायद तू मुझसे कुछ कहना चाहती है हाँ हाँ क्यों नहीं मैं कुछ कहना ही चाहती हूँ क्या कहना चाहती हूँ महारानी स्वामी जी हेलो कि हम दोनों पुराने का आज शुभ दिन है शुभ दिन हाँ आपको पता नहीं है शुभ दिन क्या होता है
महाराज जुलमी शुभ दिन क्या होता है? नाचो हूँ नहीं, जंतर में मंतर मारल पड़ता हूँ, जंतर में मंतर हाँ। हमको न ओझा है, शुभ दिन सोमार। अच्छा शुभ दिन सोमार, शुभ दिन सोमार, शुभ दिन सोमार, शुभ दिन सुहाग, शुभ दिन सुहाग। रे मुझे सुहाग रात के बारे में बता रहा है, शरप इतना मारूंगा तुझे ऊपर कर दूंगा। तू स्वामी जी आप घुमा फिरा के नहीं समझते हैं। मैं समझता हूँ लेकिन बाद में समझता। तो स्वामी जी महारानी ऐसी नहीं बोलूंगी तो मेरा सपना अधूरा ही रह जाएंगे, इसलिए मैं सब कुछ कह देना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ महारानी? अब पति पत्नी हो ही गए तो शर्माना क्या है? अब तो शर्माने की बातें नहीं है। तो स्वामी जी अब हम लोग को शर्माने का लाइसेंस मिल गया ना स्वामी जी, शादी विवाह हो गया तो हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे सनम। अरतिया पतिया पतना बकवास किए जा रहा है। अखरवा में घाटा लग मेरे तरफ इशारा मत करो महारानी जी। हाँ जी लगा जाओ मैं पागल था जो घूम फिर के आइए उधर से, हम दोनों पुराने को मिलने दीजिए। पागल मत बनो स्वामी जी, तो आज शादी की पहली रात है। हाँ महारानी, तो चलिए मेरे साथ में यहाँ से अपना महल और महल चल के दोनों पुराने सुहाग रात मनाते हैं। चलिए महारानी। क्या हो हे महारानी? क्या हुआ आइए ना। बात तो तुम सही कहती हो। अच्छा आज मिलने और मिलाने की रात है, तो चलिए ना जल्दी से। शादी की पहली रात है। हाँ। अंचल कोहबर घर मनाने की बात है, लेकिन महारानी दिल है कि मानता नहीं, दिल नहीं मानता है तो हम और आप मान जाते हैं। महाराज जब से बड़ी रानी गई है महल से, हाँ। ये महल देखो महारानी कितना सोना लग रहा है, ऐसा लगता है हाँ। ऐसा लगता है बड़ी रानी के जाने के बाद मेरा कुछ खो गया है। स्वामी जी क्या करूं महारानी, मेरा दिल नहीं लगता है इस सब पुरानी बात।